नमस्कार दोस्तों, न्यूज हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। टोक्यो में अनोखा नज़ारा, इंडिया पाकिस्तान टॉप पर। टोक्यो ओलंपिक में अनोखा नज़ारा देखने को मिला। एक ओर जहां जेवलिन थ्रो के ग्रुप ए में भारत के स्टार एथलेटिक नीरज चोपड़ा ने टॉप कर इतिहास रचा, तो वहीं दूसरी ओर ग्रुप बी में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने टॉप कर दिया है। नीरज ने जहां 86.65 मीटर का भाला फेंका, तो वहीं अरशद ने 86.16 मीटर का भाला फेंका है। वो 15 प्रतिद्वंदियों में से नंबर वन पर कब्जा जमा लिया है। दोनों प्रतिभागियों का मुकाबला 7 अगस्त को फाइनल में होगा। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव के साथ ही खेलों में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने का नज़ारा सामने आया है। बता दें, चाहे विकेट की हो या जेवलिन की, दोनों ही देशों के बीच ये मुकाबले अक्सर चर्चा का विषय बन जाते हैं। और अब दोनों की देश किसी प्रतियोगिता में टॉप कर रहे हो तो मुकाबला और दिलचस्प बन जाता है। हालांकि ये पहले बार नहीं है कि जब दोनों प्रतिभागी एक दूसरे के टक्कराए गए हो। 2018 के एशियाई गेम्स में नौ देशों के 13 प्रतिभागियों के बीच नीरज और अरशद मेडल्स पाने में कामयाब रहे थे। नीरज ने जहां इस प्रतिभागिताओं में गोल्ड पर कब्जा बनाया था, तो वहीं अरशद को इसमें ब्रांज मेडल प्राप्त हुआ था। सिल्वर मेडल चीन के लुई कुजेन को मिला था। 7 अगस्त को भारत पाकिस्तान का ये मुकाबला काफ़ी रोमांचक होगा। दोनों देशों की निगाहें अपने अपने प्रतिभागों पर रहेगी। 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में 86.65 मीटर का भाला फेंककर फाइनल में जगह बनाने वाले पहला भारतीय बने। 2017 एशियन एथलेटिक्स चैंपियन गोल्ड मेडल रहे। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल। 2018 एशियन गेम्स गोल्ड मेडल।